हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम, जिसको ड्रम ब्रेक सिस्टम भी कहा जाता है। आज इसके हम कंस्ट्रक्शंस देखेंगे और इसके वर्किंग को समझेंगे कि मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रेक सिस्टम क्या होता है और हम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप सभी व्हीकल्स चलाते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स पे बैठते हैं, चलाते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें ब्रेक सिस्टम, हर गाड़ियों में ब्रेक होती है। लेकिन ये ब्रेक ऐसा लगता है कि हम शायद कोई अपना फुट पैडल प्रेस करते हैं, ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं और गाड़ी हमारी रुक जाती है। लेकिन इसके जो लिंकेज होती है, इसके जो मैकेनिज्म होती है और इसके जो टाइप्स होते हैं, सबसे बड़ी बात, इसके जो टाइप्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। आपने कभी सुना होगा पावर ब्रेक सिस्टम, आपने ये भी सुना होगा इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम, आपने ये भी सुना होगा कि ड्रम ब्रेक सिस्टम। तो ये सारे जो ब्रेक सिस्टम है, ये आपके ब्रेकिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। अलग अलग टाइप के ब्रेक सिस्टम होते हैं जो कि हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज होते हैं। सबका एप्लीकेशन अलग अलग है और साथ ही साथ सबका वर्किंग भी अलग अलग है। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हमको मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम यानी कि ड्रम ब्रेक सिस्टम कैसे वर्क करता है और क्या होता है। इसके जितने भी टाइप्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम, पावर ब्रेक सिस्टम और आपके इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम, ये सारे हम अलग अलग टॉपिक करके डिस्कस करेंगे, मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो पे हम पढ़ेंगे ड्रम ब्रेक सिस्टम। अब ये ड्रम ब्रेक सिस्टम समझने से पहले हमको इसके पार्ट्स को, इसके कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है, तब जाके हमको इसका वर्किंग समझ में आएगा। ड्रम ब्रेक सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक ड्रम की तरह है, देख सकते हैं, एक क्लोज्ड आपका सर्कुलर शेप है जो कि एक ड्रम की तरह दिखता है। और ये ड्रम ब्रेक सिस्टम जो है, ये आपका जो कहना चाहिए कि जो यूज होता है वो बहुत ही मतलब बेसिक मेथड है आपके ब्रेकिंग सिस्टम का, सबसे पुराना मेथड और सबसे बेसिक मेथड। इसमें कोई भी एडवांसमेंट नहीं है, ये सिंपली आपका एक कैम के मदद से काम करता है और हमारा ब्रेक अप्लाई होता है। चलिए आप आते हैं इसके हम वर्किंग पे। सबसे पहले आप जब कभी भी ब्रेक पैडल अप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रेक पैडल अप्लाई करते हैं और आप अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो आप ब्रेक शू दबा, ब्रेक क्लच दबाते हैं। जैसे ही आपने ब्रेक क्लच दबाया तो फिर होता यह है कि ब्रेक पैडल अप्लाई करने से ये लिंकेज से कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे लिंकेज होते हैं जो कि केबल के माध्यम से, जिसको वायर बोल सकते हो आप, केबल के माध्यम से ये आपके कैम से कनेक्ट होता है। अब ये कैम का क्या फंक्शन है ये समझते हैं। देखिए, ये आपका जो है ये ड्रम है, यानी एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपके व्हील के अंदर ये, मतलब आपके व्हील को रोकने के लिए ये आपका ब्रेक सिस्टम का ड्रम है, ठीक। अब ये है आपका ब्रेक शू, ये वाले देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका ब्रेक शू, क्लियर। ये है आपका ब्रेक लाइनिंग, मैंने यहां लिखा हुआ है ब्रेक लाइनिंग, कौन सा, ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये है आपका ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक लाइनिंग क्या होता है और ब्रेक शू क्या होता है ये बताते हैं। ब्रेक शू तो आपको सभी को पता है क्या होता है ब्रेक शू। ब्रेक लाइनिंग क्या होता है कि जब ब्रेक अपन अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक जो है, ये ब्रेक शू जब इस ड्रम पे डायरेक्ट टकराएगा या डायरेक्ट इसमें एक्सपांड होगा तो होगा ये कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा, और फ्रिक्शन जनरेट होगा यानी कि हो सकता है हीट डिसअपीयर भी हो जाए, यानी कि अल्टीमेटली हीट जनरेट हो जाए और डिसअपीयर ना हो पाए। तो इसलिए हम इसको बीच में एक प्रकार से ये अपन अवरोधक लगाते हैं, एक प्रकार से इसको ऑब्स्टेकल लगाते हैं ब्रेक लाइनिंग को। ये लाइनिंग क्या करता है कि ये जो ब्रेक शू है और ये जो ड्रम है, तो इन दोनों को आपस में घर्षण होने से बचाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके वियर और टियर भी होने से ये रोकता है। तो इसीलिए ये ब्रेक लाइनिंग का यूज किया गया है, क्लियर है। ये दोनों साइड हमने देख लिया। अब आते हैं इसके कैम वाले फंक्शन पे। जैसे ही आप ब्रेक पैडल अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई किए, तो कैम, ये लिंकेज से कनेक्ट है, कैम का रोटेशन बदल जाता है। कुल मिलाकर अभी सपोज इस अवस्था में कैम है, जैसे ही आप ब्रेक पैडल दबाते हैं तो कैम आपका इस लोकेशन पे आ जाता है। जब कैम इस लोकेशन पे आ गया, यानी कि इट मींस कि अभी ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, लेकिन जैसे ये रोटेट हुआ तो ये एक्सपांड होंगे, क्योंकि ये घूमेगा तो जाहिर सी बात है ये इधर खिसकेंगे, तो ये इधर खिसका विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे ये जो एक्सपांड हो रहा है, यानी ये कहना चाहिए कि जो आपके ब्रेक शू उधर फोर्स लगा रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन पे, तो वो किसके मदद से लगा रहे हैं, स्प्रिंग के, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगा है और ये स्प्रिंग आपका कनेक्ट है ब्रेक शू से, दोनों से। जैसे ये इधर मूव करेंगे तो आपकी ब्रेक लाइनिंग पीछे जाएगी और ब्रेक लाइनिंग इस वाले ड्रम से चिपक जाएगी और आपका जो भी मोशन है वो आपका कंट्रोल हो जाएगा या फिर आपकी गाड़ी रुक जाएगी। इस तरीके से ये काम करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि कैम जो है, अब ये कैम मतलब जैसे ही आपने ब्रेक पैडल से अपना पैर रिलीज किया या आपने उसको फोर्स अप्लाई जो किया था वो हटा दिया, तो ये वापस से कैम अपने इनिशियल कंडीशन पे आ जाएगा और होगा ये कि आपका ये सारा चीज़ अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएंगे तो फिर आपकी मोशन शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम या फिर ड्रम ब्रेक सिस्टम काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई और कमेंट में पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।